करियर ज्योतिष ज्योतिष के महत्वपूर्ण भागों में से एक है। हमारे जीवन में अच्छी प्रगति के लिए सही करियर चुनना बहुत जरूरी है। यदि आप कोई ऐसा पेशा चुनते हैं जिसे हमारे ग्रह या हमारी कुंडली समर्थन नहीं करती है, तो हमारे लिए उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना मुश्किल होगा। वहीं जिस पेशे को हमारी कुंडली सपोर्ट करती है उसे चुनने से हमें उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। हम चिकित्सा पेशे के लिए ग्रहों की युति के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टरों को उनके जीवन रक्षक कौशल के लिए भगवान के बगल में माना जाता है। चिकित्सा पेशा एक बहुत ही आकर्षक पेशा है जो सम्मान और पैसा दोनों देता है। कई युवा डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं क्योंकि यह पेशा लोगों को उत्कृष्ट पारिश्रमिक और लोगों की मदद करने के अवसर के साथ साथ उच्च सम्मान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। दंत चिकित्सा एक बहुत अच्छा और प्रतिष्ठित पेशा है। ज्योतिष में कई दंत चिकित्सक योग उपलब्ध हैं जो ज्योतिष को आपकी कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से यह तय करने में सक्षम है कि दंत चिकित्सक कौन बनेगा। एक दंत चिकित्सक के रूप में एक करियर लचीलेपन को पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने, अपना खुद का मालिक बनने और अच्छी आय अर्जित करने का अवसर देता है। दंत चिकित्सक के लिए योग प्राचीन ग्रंथों में आसानी से उपलब्ध नहीं है। ज्योतिष में दंत चिकित्सकों द्वारा किए गए कार्यों, दांतों के महत्व और शामिल दांतों के क्षेत्र और दंत चिकित्सक के लिए भूमिका के महत्व पर विचार करते हुए मैं आपको कुछ ज्योतिषीय योग बता रहा हूं। यदि वह संयोजन आपकी कुंडली में मौजूद है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक दंत चिकित्सक होंगे। तो अगर आप या आपके बच्चे दंत चिकित्सक के रूप में करियर शुरू करना चाहते हैं तो अभी से अपनी कुंडली खोलें और ज्योतिषी एजे ओबरॉय द्वारा दिए गए संयोजन को देखना शुरू करें। जन्म कुंडली और D-10 चार्ट में दूसरे घर और दसवें घर के बीच संबंध, लेकिन सवाल यह है कि क्यों दूसरा घर मुंह का प्रतिनिधि जहां दांत रखा गया है और दसवां घर पेशे का संकेत देता है। इसलिए यदि दोनों भावों के बीच का संबंध पक्ष को पसंद करता है तो योग की तुलना में दंत चिकित्सक योग पर विचार करना चाहिए। दंत चिकित्सक के पेशे में आने के इच्छुक लोग जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दंत चिकित्सक के लिए उपरोक्त ज्योतिषीय संयोजन उनकी कुंडली में लागू होते हैं या नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, कुछ ग्रहों की स्थिति आपको दंत चिकित्सक बनने में मदद कर सकती है। सबसे पहले हमें आपकी कुंडली पर बुध के प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुध का संबंध दांतों से है। फिर हमें शनि की स्थिति का विश्लेषण करना होगा जो शल्य चिकित्सा और चिकित्सा का प्रतिनिधित्व करता है। दंत चिकित्सक बनने के लिए व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। यहाँ पांचवें घर की भूमिका आती है जो कि बुद्धि का घर है। आठवां घर एक और महत्वपूर्ण घर है जो किसी व्यक्ति में गहन अध्ययन और शोध करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी चिकित्सा क्षेत्र की तरह दंत चिकित्सा के पेशे में गहन शोध की आवश्यकता होती है। तो ये हैं आपकी कुंडली के कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो बता सकते हैं कि क्या आप एक सफल डेंटिस्ट बन सकते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इन तत्वों की स्थिति मजबूत है या नहीं, अन्यथा आपकी कुंडली में इन तत्वों के होने के बावजूद आप एक सफल दंत चिकित्सक नहीं बन सकते। दंत चिकित्सा के पेशे में सर्जरी, दांत, गहन ज्ञान और समस्या को सुलझाने के कौशल शामिल हैं। यदि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो संभावना प्रबल है कि आप दंत चिकित्सक बन सकते हैं। यह जानने के लिए कि क्या आपका राशिफल डॉक्टर बनने के लिए उपयुक्त है, आप ज्योतिषी एजे ओबरॉय से अपनी करियर रिपोर्ट ले सकते हैं। यह आपको एक सही करियर पथ चुनने में मदद करेगा जो आपको अधिकतम सफलता प्रदान करेगा।